हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय सेल्फ भाग्यश्री। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज़ इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। ये टॉपिक प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है, मतलब एग्जाम में आपको इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से थियरी पूछने का चांसेस कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इसका थियरी नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर में जो भी थियरी दिया हुआ है वो आप एक बार अगर रीड करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग ने थियरी कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि थियरी उतना रिलेटेड नहीं है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और एक बार, ये जो टॉपिक है वो मैथ्स के कैलकुलेशन पे बेस्ड है, मतलब इसमें आपको बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। वैसे देखा जाए तो ये टॉपिक दिखने में टफ लगता है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ईजी टॉपिक है। जब मेरा ग्रुप फोर चल रहा था तभी इस टॉपिक से ऑन एन एवरेज 18 to 20 मार्क्स का पूछा गया था, मतलब 12 to 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था और बाकी सब ऑब्जेक्टिव थे। मतलब ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्वेश्चंस पे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ अ फर्म इज गिवन बाय द फंक्शन सी इज इक्वल टू 4x³ + 9x² + 11x + 27। फाइंड द एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एक्स बीइंग द आउटपुट। इसका मतलब है हम लोग को कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर से हम लोग एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। एक्स बीइंग द आउटपुट, मतलब जो भी आउटपुट है उसको हम लोग एक्स बोलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है वो आंसर में कॉपी करके लेते हैं। कॉस्ट फंक्शन यानी कि टोटल कॉस्ट फंक्शन जो भी दिया है वो हम लोग ने कॉपी करके लिया। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हम लोग को कि एवरेज कॉस्ट निकलना है। सो बेसिक फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट का क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट करने के बाद एवरेज कॉस्ट आता है। सो एवरेज कॉस्ट, दिस इज योर फर्स्ट आंसर, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। आपका टोटल कॉस्ट क्या है वो कॉपी करना है। इधर हम लोग ने टोटल कॉस्ट जो भी है वो लिख के लिया है। अभी आउटपुट क्या बोला है हम लोग को, आउटपुट इज एक्स, सो डिवाइडेड बाय एक्स। अभी एक कॉस्ट फंक्शन को हम लोग एक्स से डिवाइड करते हैं, दैट इज 4x। अभी इधर एक्स क्यूब है, एक एक्स से अगर डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 9। एक्स स्क्वायर था उसको अगर एक्स से डिवाइड किया तो ओनली एक्स ही बचेगा, प्लस 11x था, एक्स को एक्स से डिवाइड करें तो सिर्फ 11 बचेगा, प्लस 27 उसको एक्स नहीं था तो डायरेक्टली 27 डिवाइडेड बाय एक्स ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया एवरेज कॉस्ट का। अभी नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेरिवेशन ऑफ एक्स। सो डी ऑफ 4x³ + 9x² + 11x + 27। अभी हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये जो 4 है वो वैसे के वैसे ही लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय x के ऊपर जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 × 3 × x, ये ऊपर का 3 वैसे ही आएगा, -1 उसके बाद आगे का, +9 × 2 × x। अभी ऊपर 2 − 1, मतलब ऊपर जो भी वैल्यू है उसमें से एक माइनस करना है, +11 वैसे ही आएगा मल्टीप्लाइड बाय एक्स के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब एक तो रहेगा इसलिए 1 × x, 1 − 1 कुछ नहीं है मतलब 1, इसके लिए 1 − 1 प्लस। अभी इधर एक्स ही नहीं है सिर्फ नंबर है, तो ऐसे केस में हम लोग डायरेक्टली 0 लिखेंगे, अगर सिर्फ नंबर है तो 0 लिखना है। अभी नेक्स्ट स्टेप, 4 × 3 दैट इज 12, एक्स वैसे ही आएगा, 3 में से एक गया दैट इज 2, 12x² + 9 × 2 दैट इज 18x, 2 में से 1 गया दैट इज इधर 1 वैसा ही है,
प्लस इधर 11। अभी x के ऊपर क्या था, 1-1 मतलब 0। अगर x का वैल्यू ऊपर का 0 हो जाता है तो x चला जाता है, तो इधर 11 उतना ही आएगा, x नहीं आएगा और 0 तो गया। तो ये आपका आंसर आ गया मार्जिनल कॉस्ट का। सिंपली किधर भी अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट पूछा है तो आपको उसका डेरिवेशन निकालना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट इज़ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसका फॉर्मूला आता है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। सो वेरिएबल का मतलब होता है इधर जो भी टोटल कॉस्ट में हम लोग को वेरिएबल, मतलब ये जो एक्स, ये जो वेरिएबल है वो दिख रहा है, उतना जो पार्ट है उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल इधर तक 11x तक एक्स है, इधर तक हम लोग बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 4x³ + 9x² + 11x डिवाइडेड बाय आउटपुट। आउटपुट क्या बोला हम लोग को, आउटपुट इज x। सो आंसर आएगा 4x² क्योंकि इधर क्यूब था, क्यूब को अगर x से डिवाइड करोगे तो स्क्वायर ही बचेगा, प्लस 9। इधर x स्क्वायर था, डिवाइडेड बाय अगर x करोगे तो एक ही x बचेगा तो इसलिए x आया, प्लस इधर x था, इधर x से डिवाइड किया मतलब x गया, इधर आया 11। सो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया इतना। आई होप आपको इधर तक क्लियर हुआ होगा। अभी नेक्स्ट हम लोग को पूछा है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, तो फॉर्मूला आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अभी सी इधर जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है उसमें जिधर तक x दिख रहा था, मतलब इधर तक, उसको हम लोग ने बोला कि वेरिएबल कॉस्ट। तो फिर ये जो 27 बचा उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स कॉस्ट, जिसमें भी वेरिएबल रहता है मतलब अल्फ़ाबेट्स रहता है उधर तक के पार्ट को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट, और जिधर सिर्फ नंबर है उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट आ गया 27। सो फिक्स कॉस्ट इज 27 डिवाइडेड बाय योर आउटपुट इज x। सो आंसर आ गया एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 27 डिवाइडेड बाय x। सो इधर हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कम्प्लीट होता है। क्वेश्चन में डिफिकल्ट लगने वाला पार्ट जो है वो ये है, मार्जिनल कॉस्ट वाला, डेरिवेटिव निकालने वाला। ध्यान से देखना है, मैं और एक बार बताती हूँ। डेरिवेटिव के लिए हम लोग ने पहले वो फंक्शन लिख के लिया, उसके बाद जो भी फर्स्ट नंबर है दैट इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाय उसका रेस टू वाला वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 3-1 मतलब जो भी वैल्यू उसमें से 1 माइनस कर रहा है, प्लस का प्लस वैसे ही आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय रेस टू वाला वैल्यू दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 2-1 प्लस का प्लस वैसे ही आएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है इसके लिए 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इधर 1 है ना 1 में से 1 गया प्लस इधर नंबर है उसको वेरिएबल नहीं है मतलब एक्स नहीं है और कुछ भी वेरिएबल नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली 0 लिखेंगे। अगर सिर्फ नंबर है तो 0 आएगा। सिंपली मल्टीप्लाई करना है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज़ 12 एक्स का एक्स वैसे ही आएगा 3-1 दैट इज़ 2 प्लस का प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज़ 18 एक्स का एक्स वैसे ही आएगा। अभी 2-1 मतलब एक ही बचा ना, तो एक्स के ऊपर हम लोग एक तो कभी लिखते नहीं है, वो वैसे ही अज्यूम होता है। तो अभी प्लस का प्लस वैसे ही आएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज़ 11। अभी x के ऊपर 1-1 मतलब कुछ नहीं है, 0 हो गया, तो x का जो भी एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो गया, 0 हो गया, तो फिर x लिखने का नहीं है, सिर्फ 11 आ जाएगा। ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए आपको मे बी टफ लग रहा होगा, जैसे जैसे हम लोग आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप इजीली ये स्टेप कर पाओगे। सो लेट स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2, द एवरेज कॉस्ट ऑफ द फर्म इज गिवन बाय द फंक्शन एवरेज कॉस्ट is equal to x³ + x² - 11x. Find the total cost, average variable cost and the marginal cost. अभी first question और second question में यही difference है कि first question में हम लोगों को total cost function दिया हुआ था, अभी average cost function दिया हुआ है। Easy है, हम लोग solve करते हैं। सी इधर हम लोग को जो भी एवरेज कॉस्ट दिया हुआ था हम लोग ने वो आंसर में कॉपी करके लिया है। अभी बेसिकली एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, वो वैसा ही हम लोग लिख के लेंगे। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। क्वेश्चन में जो भी फंक्शन दिया होता है उसमें जो भी वेरिएबल होता है उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं।
तो अभी एवरेज कॉस्ट कितना दिया है हम लोग को, एक्स क्यूब प्लस 12x² माइनस 11x इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट तो कुछ पता ही नहीं है तो वैसे ही आएगा, आउटपुट आपको पता है आउटपुट x ही रहता है तो x आ गया। अब अभी ये x इधर है तो हम लोग उसको इधर मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे, सो एक्स क्यूब प्लस 12x² माइनस 11x मल्टीप्लाइड बाय ये x इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, समझा आपको, ये इधर का x हम लोग ने इधर मल्टीप्लाई करने के लिए भेज दिया। अभी सिंपली मल्टीप्लाई करना है, x क्यूब को x से मल्टीप्लाई किया तो फिर x रेस टू 4 हो जाएगा प्लस 12x² था, अभी एक बढ़ेगा मतलब x क्यूब हो जाएगा माइनस 11x एक ही था, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल हो जाएगा मतलब 2 आ जाएगा। सो हम लोग का टोटल कॉस्ट रेडी हो गया। अभी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट पूछा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा फर्स्ट आंसर था, अभी सेकंड आंसर इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसके लिए फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। मैंने जस्ट अभी बताया था कि जो भी टोटल कॉस्ट फंक्शन रहता है उसमें वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट जिधर तक दिखता है उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, तो इधर तो पूरा वेरिएबल ही है, तो अभी आ जाएगा टोटल कॉस्ट का पूरा फंक्शन वैसा ही लिखना है क्योंकि पूरा वेरिएबल ही है, 11x² डिवाइडेड बाय जो भी आउटपुट है, आउटपुट क्या हम लोग का x है तो सिंपली डिवाइड करना है, एक एक x सब में से कम हो जाएगा, इधर 4 था मतलब इधर 3 हो जाएगा प्लस 12, इधर 3 था मतलब इधर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 11, इधर 2 था उसमें से एक गया दैट इज़ x बचा, सो ये आपका हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अभी थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि मार्जिनल कॉस्ट, सो थर्ड आंसर इज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेरिवेशन ऑफ x। टोटल कॉस्ट का जो भी फंक्शन हम लोग ने कैलकुलेट किया हुआ था वो हम लोग ने इधर लिख के लिया है, अभी वो इम्पोर्टेंट वाला स्टेप, सी अगेन हम लोग देखते हैं इधर अभी x के आगे कुछ नहीं है मतलब एक है मल्टीप्लाइड बाय ऊपर क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाय x वैसे ही आएगा, अभी 4 माइनस 1 हो जाएगा प्लस का प्लस वैसे ही, 12 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर का 3 मल्टीप्लाइड बाय x 3 माइनस 1 माइनस का माइनस वैसे ही, 11 मल्टीप्लाइड बाय इधर क्या है 2 तो 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय x 2 में से एक जाएगा। अभी सिंपली कैलकुलेट करना है 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज़ 4x, 4 माइनस 1 दैट इज़ 3 प्लस का प्लस वैसे ही, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 36 x 3 में से एक गया दैट इज़ 2 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज़ 22x, क्योंकि 2 में से एक गया मतलब एक बचा इसके लिए x आ गया। सो ये हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट रेडी हो गया। इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 2 कम्प्लीट होता है। Let's start with illustration number 3. The cost function of a firm is given by C is equal to x cube minus x square plus 7x. Find at what level of output average cost is minimum and what level will it be? अभी first question and second question पूरा basic question था, उसमें आप लोग को वो जो derivation वाला part है वो थोड़ा tough लगेगा लेकिन practice से हो जाएगा। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 3 ये थोड़ा एडवांस है पहले दो क्वेश्चन से, इसमें क्या पूछा है हम लोग को एवरेज कॉस्ट का मिनिमम निकालना है, तो जो जिधर भी हम लोग को मिनिमम मैक्सिमम ऐसा कुछ भी निकालने के लिए बोलेंगे तो हम लोग को 4 स्टेप फॉलो करना है। सो लेट्स सी द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने क्वेश्चन में जो भी टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ था वो लिख के लिया है, अभी हम लोग को क्या बोला है कि एवरेज कॉस्ट का मिनिमम निकालना है, तो पहले एवरेज कॉस्ट तो निकालना पड़ेगा बाद में मिनिमम आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, टोटल कॉस्ट जो भी है वो पूरा लिखना है फंक्शन डिवाइडेड बाय आउटपुट यानी कि एक्स, सिंपली डिवाइड करना है, इधर क्यूब है मतलब इधर स्क्वायर हो जाएगा, एक एक कम करना है एक्स, इधर 2 था उसमें से एक गया मतलब एक ही बचा प्लस 7 एक्स था एक्स ने डिवाइड किया मतलब एक्स गया 7 ही बचेगा। सो ये आपका आ गया एवरेज कॉस्ट। सो हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज कॉस्ट का मिनिमम निकालना है, उसके लिए हम लोग 4 स्टेप फॉलो करेंगे, उसमें पहला स्टेप है
फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट, जो भी एवरेज कॉस्ट है हम लोग का वो लिखना है, माइनस एक्स प्लस सेवन। अभी वही प्रोसीजर हम लोग को फॉलो करना है, जिधर जिधर डेरिवेटिव दिखता है उधर उधर वही प्रोसीजर हम लोग को फॉलो करना है। सो लेट स्टार्ट। इधर कुछ नहीं है एक्स के आगे, मतलब वन मल्टीप्लाइड बाय ऊपर का टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स, टू माइनस वन, ये माइनस का माइनस वैसे ही आएगा, फोर मल्टीप्लाइड बाय एक्स के ऊपर कुछ नहीं है मतलब एक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक माइनस एक प्लस, इधर नंबर है नंबर के लिए हम लोग डायरेक्टली ज़ीरो लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, टू मल्टीप्लाइड बाय वन दैट इज़ टू, एक्स टू में से एक गया दैट इज़ वन बचा, इसके लिए कुछ नहीं आएगा, माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय वन, इधर माइनस फोर है इधर प्लस वन है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है इसके लिए माइनस फोर। अभी एक्स के ऊपर वन माइनस ज़ीरो है मतलब ज़ीरो हो गया पूरा, तो ये एक्स नहीं आएगा। सो आपका आंसर इधर तक ही आया क्योंकि आगे भी ज़ीरो ही है। अभी सेकेंड स्टेप है इक्वेट विद ज़ीरो, स्टेप नंबर टू। ये जो भी आंसर है उसको हम लोग इक्वेट करेंगे, इक्वेट विद ज़ीरो। सो टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये अपना सेकेंड स्टेप है। सो इसमें अभी ये माइनस फोर को उधर भेज देंगे, सो टू एक्स इज इक्वल टू फोर, ये माइनस इधर गए तो प्लस हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू फोर, इधर मल्टीप्लाइड था तो इधर डिवाइड हो जाएगा। सो आपके एक्स का आंसर आ गया टू। आपको पता है एक्स क्या होता है, एक्स अपना आउटपुट होता है, तो ये एक्स क्या है, आउटपुट है। ये हो गया सेकेंड स्टेप। अभी थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर निकला है उसका हम लोग अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे। सो थर्ड स्टेप इज़ डेरिवेटिव ऑफ अ फर्स्ट डेरिवेटिव। सो हम लोग पहले फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था वो अगेन चेक करके लेते हैं। सी फर्स्ट डेरिवेटिव अपना था 2x माइनस 4, ये अपने फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर था, तो इसका हम लोग अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे। सी डेरिवेटिव टू सेकेंड निकाल रहे इसके लिए, ऑफ एवरेज कॉस्ट डिवाइड बाय डी टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टू, टू एक्स माइनस फोर, अभी इसका अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे। सी टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स के ऊपर कुछ नहीं मतलब एक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक माइनस एक माइनस, अभी ये नंबर है मतलब इधर ज़ीरो आ जाएगा। सो नेक्स्ट इज टू एक्स के ऊपर वन माइनस वन मतलब ज़ीरो हो गया, मतलब ये जो भी एक्स था वो निकल गया, बचा क्या सिर्फ टू। अभी क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, एवरेज कॉस्ट मिनिमम निकालना है। जब भी मिनिमम बोला जाता है तो ये जो भी थर्ड स्टेप का आंसर आता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब मिनिमम बोला तो पॉजिटिव और मैक्सिमम बोला तो ये वैल्यू निगेटिव आना चाहिए, तो ही अपना आंसर करेक्ट है। अभी क्या बोला है मिनिमम, तो आंसर आया है पॉजिटिव, तो अपना आंसर करेक्ट है। सो स्टेप नंबर फोर है, ये नंबर क्या आया, पॉजिटिव नंबर, बस चेक करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। मिनिमम के लिए पॉजिटिव नंबर और मैक्सिमम पूछा रहेगा तो निगेटिव नंबर चाहिए। तो इधर तक हम लोग ने चार स्टेप फॉलो किया। अभी जो भी अपना एवरेज कॉस्ट का फंक्शन था उसमें ये जो भी एक्स का वैल्यू अपना आया है वो डालना है और वैल्यू निकालना है। सी इधर हम लोग ने एवरेज कॉस्ट लिख के लिया है उसका फंक्शन, उसमें एक्स का वैल्यू अपना आया था टू, जो अभी हम लोग पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सी देयरफॉर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू है टू रेज टू टू माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय टू प्लस सेवन। ये दिखने में छोटा लगता है लेकिन ध्यान से कैलकुलेट कीजिए, टू का स्क्वायर दैट इज़ फोर माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय टू दैट इज़ एट प्लस सेवन। सी फोर माइनस एट प्लस सेवन, आपका आंसर आ गया थ्री। सो एवरेज कॉस्ट इज़ थ्री।
फिर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। द एवरेज कॉस्ट फंक्शन फॉर अ सर्टन कमोडिटी इज गिवन बाय एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 2x - 1 + 50/x इन टर्म्स ऑफ आउटपुट x, मतलब आउटपुट x है अपना। फाइंड द आउटपुट फॉर विच, आउटपुट फाइंड करना है हम लोग को, मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इज एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, सेकेंड इज एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। सो अभी हम लोग ने थर्ड क्वेश्चन देखा, उसमें हम लोग ने 4 स्टेप फॉलो करके आंसर लाया। अभी ये क्वेश्चन में क्या बोला है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोला है, तो हम लोग को सिर्फ 2 ही स्टेप फॉलो करना है। उधर मिनिमम बोला था थर्ड क्वेश्चन में, तो इसके लिए हम लोग ने 4 स्टेप फॉलो किए थे। इधर हम लोग को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है, तो इधर 2 ही स्टेप फॉलो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो इधर क्वेश्चन में जो भी हम लोग को एवरेज कॉस्ट का फंक्शन दिया था वो हम लोग ने कॉपी करके लिया है। अभी ये जो एक्स है वो नीचे है, तो हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि आगे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेरिवेशन का पार्ट तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली क्या करना है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 2x - 1 + 50, इधर तक सेम ही आएगा। इधर x नीचे के पार्ट में है, तो अभी इसको ऊपर लेके जाएंगे, और इधर +1 था, तो अभी ऊपर जाने के बाद वो -1 हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है। अभी हम लोग जो भी 2 स्टेप है वो फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x, सो डी ऑफ 2x - 1 + 50x - 1। ओके, सो इधर क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय x के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय x, 1 - 1, ये माइनस का माइनस वैसे ही आ जाएगा। अभी इधर क्या है, 1 है मतलब नंबर है, तो इधर 0 आ जाएगा, प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय, इधर -1 है मतलब इधर भी -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय x, -1 मतलब ये उसमें से हम लोग -1 करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज़ 2। अभी x के ऊपर क्या है, 1 - 1 मतलब कुछ भी नहीं बचा, मतलब वो x भी चला जाएगा, तो इधर आंसर आएगा सिर्फ 2। अभी इधर -0 है, उसका तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। अभी नेक्स्ट इज़ +50, मतलब 50 पॉजिटिव है, मल्टीप्लाइड बाय -1। अभी प्लस माइनस क्या आता है, माइनस, 50 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज़ 50। अभी x के ऊपर क्या है, -1 - 1, सो इधर हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, टोटल लेते हैं ना हम लोग, प्लस होता है और मार्क माइनस का ही रहता है, तो -2। सो इधर तक हम लोग का ये डेरिवेशन वाला पार्ट हो गया। अभी ये जो x को हम लोग ने ऊपर भेजा था, अभी हम लोग उसको नीचे ले लेते हैं। सो 2 - 50 उधर तक वैसे ही आएगा, डिवाइडेड बाय x नीचे जाएगा। अभी इधर -2 था, अब वो नीचे जाएगा तो वो +2 मतलब +2 हो जाएगा। सो आंसर आया 2 - 50, x नीचे गया और ये 2 भी नीचे गया, ऊपर माइनस में था, नीचे प्लस में हो गया। सो अभी सेकेंड स्टेप, दैट इज इक्वेट विथ 0। सेकेंड स्टेप दैट इज इक्वेट विथ 0। तो इधर हम लोग ने जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर था वो लिख के लिया इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली 2 इज इक्वल टू, ये जो माइनस वाला पार्ट है वो उधर जाएगा, इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। x स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50, इधर का 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अभी स्क्वायर का आंसर, मतलब स्क्वायर रूट जो भी है वो प्लस माइनस दोनों भी हो सकता है, सो एक्स इज इक्वल टू +-5। मतलब हम लोग 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो भी 25 आएगा, -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 करेंगे तो भी 25 आएगा। सो इसका आंसर 2 हो सकता है, एक तो +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। सो इसको ही हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यू कहते हैं, जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है। सी, एवरेज कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग, एवरेज कॉस्ट इज़ डिक्रीजिंग, मतलब कब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है। सी, जब भी x का वैल्यू
मोर देन 5 होता है, मतलब ये पॉजिटिव वाला, मोर देन 5 होता है तो एवरेज कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग। और जब भी एक्स का वैल्यू इज़ लेस देन 5 होता है तो एवरेज कॉस्ट इज़ डिक्रीजिंग। ओके, तो इधर हम लोग का पहले दो क्वेश्चन जो भी पूछा है उसका आंसर हो गया, दैट इज़ ये पहला आंसर है, सेकेंड आंसर है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला। सी, फर्स्ट दो क्वेश्चन हो गया, अभी टोटल कॉस्ट निकालने का है। क्वेश्चन में हम लोग को एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है, आपको एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला पता है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, इसके ऊपर से हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज कॉस्ट जैसे दिया हुआ है वैसे लिखना है, 2x माइनस 1 प्लस 50 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, अपना आउटपुट क्या है, एक्स है। इधर तक तो क्लियर है। अभी नेक्स्ट इज ये जो एक्स है वो इधर हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए भेज देंगे, सो 2x माइनस 1 प्लस 50x वैसा ही लिखा, ब्रैकेट ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अभी 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x डबल हो जाएगा, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब x आ जाएगा, प्लस 50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50x, लेकिन नीचे भी x है मतलब x गया। जी करके दिखाते हैं, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x डिवाइडेड बाय x मतलब x गया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 50 इज योर टोटल कॉस्ट। सो अपना थर्ड आंसर भी रेडी हो गया। अभी लास्ट हम लोग को पूछा है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, सो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेरिवेशन ऑफ x। सो डेरिवेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, जो भी हम लोग ने अभी टोटल कॉस्ट निकाला है वो, मतलब ये वाला फंक्शन, वो उधर कॉपी करना है। सो अभी सिंपली इसका डेरिवेशन निकालना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर का 2 मल्टीप्लाइड बाय x, 2 माइनस 1, ये माइनस का माइनस वैसे ही आएगा, अभी कुछ नहीं मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय x के ऊपर का 1 मल्टीप्लाइड बाय x, 1 माइनस 1 प्लस ये 50 के लिए आएगा 0। नेक्स्ट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज़ 4 एक्स, 2 में से 1 गया सो इधर 1 आ जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज़ 1, अभी x के ऊपर है 1 माइनस 1 मतलब 0, मतलब x चला जाएगा, अभी आगे तो प्लस 0 है तो कुछ नहीं आएगा, तो अपना आंसर आया इधर तक माइनस 1, तो ये अपना आंसर आ गया मार्जिनल कॉस्ट। आई होप इधर तक आपको क्लियर हुआ होगा, फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको डिफ़िकल्टी लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, अभी आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।